हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, घणी खम्मा हुकुम। कैसे हो सब लोग? कैसे हो भाई सब लोग? अपने महाद्वीप का टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक को अपन ने कौन कौन से महाद्वीप कंप्लीट किए और कौन सा महाद्वीप अपना बीच सेशन में चल रहा है, उस सेशन को अपन पूरा करेंगे। पहले 5 मिनट की क्लास में ये मोटिवेशन ही मान लो कि आपको मैं रिकैप करवाता हूं जो आपने पढ़ा है उसको, है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो अपना महाद्वीप है, इस महाद्वीप को अपन कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, ये अंगारा लैंड या लारेसिया का भाग है और जस्ट इसके नीचे जो भाग है ये है दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को मैंने आपको बताया कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। बाकी हमने कंप्लीट उत्तरी अमेरिका के कंप्लीट क्वेश्चन किए और दक्षिणी अमेरिका से प्रमुख घास के मैदान किए, प्रमुख झीलें, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, पठार, इसके अलावा कोई जनजाति है वो हमने कंप्लीट किया। बिल्कुल डिटेल से ये मैंने करवाया आपको। इसके बाद हमने कहा अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट किया, अफ्रीका, और अफ्रीका महाद्वीप को हमने बड़े डिटेल से पढ़ा। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके अलावा फिर अगर अपन बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका है, ये भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर हमने शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शुरू किया। और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो, समझो, हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है गोंडवाना लैंड का भाग है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हमने प्रमुख नाम, इसके अलावा प्रमुख विशेषताएं और उसके बाद हमने प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कंप्लीट की। पहले मैं ऑस्ट्रेलिया को रिकैप करवाता हूँ आपको। सबसे पहले अपन देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसमें मैंने आपको बताया था 6 देश हैं वो स्थल भूखंड पर स्थित हैं, जबकि एक जो देश है वो द्वीपीय देश है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद इसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा इमेज करवा देता हूँ। ये जो था ये द्वीप था पापुआ न्यू गिनी। ये कौन सा था? पापुआ न्यू गिनी। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये जो पापुआ न्यू गिनी है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो सर पहला कौन सा है? पहला मैंने आपको बताया था कि पहला जो सबसे बड़ा है वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ये जो है ये ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। अब देखो, यहां हमने कुछ बातें कंप्लीट की। सबसे कहा कि यहां एक जलसंधि है जिसको अपन बोलते हैं टोरस जलसंधि। इसके बाद मैंने कहा ये जो भाग है इसको मैंने नाम दिया
कारपेंट्रिया की खाड़ी, क्या नाम दिया? कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में है। इसके बाद ये जो सागर है इसको हमने नाम दिया आराफूरा सागर। आराफूरा सागर के पश्चिम में यहाँ जो है ये तिमोर सागर। इसके बाद हमने कहा ये जो खाड़ी दिखाई दे रही है आपको, इस खाड़ी को बोलते हैं अपन सार्क की खाड़ी। क्या बोलते हैं? सार्क की खाड़ी। ये जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। क्या बोलते हैं? स्पेंसर की खाड़ी। इसके बाद ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां एक जलसंधि है जिसको अपन बोलते हैं बोस जल संधि है। और ये क्या है? ये तस्मान द्वीप है। कौन सा है ये जो द्वीप है? इसको अपन बोलते हैं तस्मानिया। और इस तस्मानिया द्वीप पर जो इसकी राजधानी है उसको अपन बोलते हैं हबोर्ट, यानी कि तस्मानिया जो है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करने वाली जलसंधि है बोस जलसंधि, टोरस जलसंधि, आराफूरा सागर, तिमोर सागर, सार्क की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। और अगर अपन बात करें जस्ट इनके इनके पश्चिम में जो है वो है हिंद महासागर। कौन सा सागर है? हिंद महासागर। और अगर पूर्वी तटों की बात करें तो ये जो भाग है ये है प्रशांत महासागर। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। और हमने यहाँ कहा कि ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं कोरल सागर। क्या नाम दिया था? कोरल सागर। बिल्कुल यहाँ तक हुआ। इसकी अवस्थिति से जो प्रश्न बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अवस्थिति से जो प्रश्न बनेंगे वो यही बनेंगे कि टोरस जलसंधि है, बोस जलसंधि है, हाबोर्ट तस्मानिया की राजधानी है, स्पेंसर की खाड़ी है, सार्क की खाड़ी है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है, प्रशांत महासागर, कोरल सागर। अब देखो छह जो देश बचे हैं उन छह देशों के नाम मैं आपको बताता हूं। इसको अपन बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है यहाँ पर्थ। कौन सी है? पर्थ, याद रखना पर्थ। इसके बाद ये जो उत्तरी, इसको अपन बोलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और ये जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है इसकी जो राजधानी है उसको अपन बोलते हैं, यहाँ स्थित है डार्विन। क्या बोलते हैं? डार्विन। इसकी राजधानी है डार्विन। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला जो है इसको अपन बोलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड। ये जो प्रांत है इस प्रांत को अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक्टोरिया प्रांत। क्या बोलते हैं? विक्टोरिया। और ये जो विक्टोरिया प्रांत है, इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है मेलबर्न। कौन सी है? मेलबर्न। इसकी जो राजधानी है वो है मेलबर्न। फिर ये जो प्रांत है इसको अपन बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। और ये जो न्यू साउथ वेल्स है इसमें अपन बात करेंगे, देखो यहां सिडनी है और
तटों के अंदर जो है वो है कैनबरा, कैनबरा। और ये जो कैनबरा है, ये जो कैनबरा है कैनबरा, और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की प्रशासनिक राजधानी है, जबकि जबकि मेलबर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी है। फिर देखो ये जो है इसको अपन बोलते हैं क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड जो है इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? देखो क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल, सिडनी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और विक्टोरिया जो प्रांत है उसकी राजधानी है मेलबर्न, तस्मानिया की हाबोर्ट, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। अब देखो यहाँ पर्थ से लेकर सिडनी तक का एक रेल मार्ग है जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, पर्थ से सिडनी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, है ना, फिर अपन इसको आगे देखते हैं। हो गया यहां तक? चलो अब पढ़ते हैं अपन। हमने पढ़ा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। हमने प्रमुख पर्वत पढ़े ना, प्रमुख पर्वत, और प्रमुख पर्वतों में हमने कहा कि कौन कौन से पर्वत हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जो तट है, इस तट के ऊपर यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला को अपन क्या बोलते हैं। यहाँ पूर्वी तट के सहारे सहारे एक पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर सबसे पहली पूछी जाती एंडीज, दूसरी रॉकीज, तीसरा हिमालय, और फोर्थ नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर हमने कहा यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसको ग्रे रेंज कहा जाता है, जो कि क्वींसलैंड में है। फिर यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जो कि न्यू साउथ वेल्स में ब्लू माउंटेन, यहाँ दक्षिणी या ऑस्ट्रेलियाई आल्पस भी कहा जाता है, जिसको यहाँ जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है इसमें मैकडोनल्ड श्रेणी है, और उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें जो श्रेणी है इसको अपन बोलते हैं रेनोल्ड श्रेणी। क्या बोलते हैं? रेनोल्ड श्रेणी, रेनोल्ड श्रेणी कहा जाता है। इसको अपने नाम दिया था मैकडोनल्ड श्रेणी। क्या नाम दिया? मैकडोनाल्ड श्रेणी। इसके बाद हमने पढ़ा ये जो है इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओल्पस। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस, इसको ऑस्ट्रेलियाई ओल्पस कहते हैं। इसको अपन बोलते हैं ब्लू, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। और ये कौन सी है? ग्रे रेंज। यहाँ तक हमने कहा, और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसी के ऊपर न्यू साउथ वेल्स में एक पर्वत चोटी है जिसको अपन क्या कहते हैं, जिस पर्वत कोसीयुस्को, माउंट कोसीयुस्को। और ये जो माउंट कोसीयुस्को है इसकी ऊंचाई कितनी है? 2230 मीटर, 2230 मीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे इससे आगे, और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट देख लीजिए, फिर अपन इससे आगे पढ़ेंगे, है ना। चलो इससे आगे जब पढ़ते हैं तो आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी वो हेडिंग डाल दो प्रमुख पठा, प्रमुख पठा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, महाद्वीप
के प्रमुख प्रमुख पठार। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पठार अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा पठार है। सबसे पहले हम करते हैं कि जो पठार हम पढ़ेंगे वो पठार पढ़ेंगे किम्बरले का पठार। किम्बरले किम्बरले का पठार। और ये जो किम्बरले का जो पठार है ये है पश्चिमी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है किम्बरले का पठार। इसके बाद अगर बात करता हूं मैं तो दूसरा है अपना अनहरम का पठार। और ये जो अनहरम का जो पठार है ये कहाँ है? ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। फिर अगर अपन बात करते हैं तो तीसरा जो पठार है वो है टुआम्बा का पठार। टुआम्बा टुआम्बा का पठार। और ये जो टुआम्बा का जो पठार है ये कहाँ है? ये है आपका क्वींसलैंड में। कहाँ है? क्वींसलैंड में टुआम्बा का पठार है, क्वींसलैंड में। जबकि जबकि अनहरम का पठार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बरले का पठार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अब एग्जामिनर आपको यहाँ परेशान करेगा। क्यों करेगा? देखो समझो, क्योंकि किम्बरले का पठार जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। जबकि जबकि अगर आपसे पूछा जाता है जबकि आपसे पूछा जाता है यहाँ नोट डाल के लिख लो या नोट डाल लो किम्बरले की खान, किम्बरले किम्बरले की खान, और मुझे कमेंट में बताओ किम्बरले की खान कहाँ है, तो आप देखते हो कि किम्बरले की खान अफ्रीका महाद्वीप में है, दक्षिणी अफ्रीका में। और अफ्रीका महाद्वीप में किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए, है ना। इम्पोर्टेंट है किम्बरले की खान अफ्रीका महाद्वीप में हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि किम्बरले का जो पठार है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, अपन पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां जब अपन पढ़ते हैं, प्रमुख नदियां जब अपन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले एक नदी का नाम आता है और वो आप कभी नहीं भूलने वाले। क्यों नहीं भूलने वाले? चलो मैं नाम ही बताता हूं। सबसे प्रमुख जो नदी है उसका नाम है डार्लिंग, डार्लिंग नदी। कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। क्योंकि ये जो आप पढ़ाई के पीछे पड़े हो ना, ये भी इसी डार्लिंग के चक्कर में पड़े हो, है ना। क्योंकि मुझे पता है इस बात का, अगर मान लो अगर डार्लिंग का कोई सिस्टम ही ना हो तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ो, है ना, नहीं पढ़ो ना। तो पढ़ाई अपन क्यों कर रहे हैं? डार्लिंग को प्राप्त करने के लिए। तो देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है क्वींसलैंड से। कहाँ से होता है? क्वींसलैंड से, क्वींसलैंड से इसका उद्गम होता है।
दूसरी जो प्रमुख नदी है वो नदी है इसकी सहायक है जिसको अपन बोलते हैं मर्रे नदी, मर्रे नदी। और ये जो मर्रे नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है न्यू साउथ वेल्स से। कहाँ से होता है? न्यू साउथ वेल्स से। और होता क्या है, इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, वो प्रश्न जो पूछेगा वो प्रश्न ये नहीं पूछेगा अभी जो बता रहा हूं, यानी कि डार्लिंग डार्लिंग वे मर्रे नदी, मर्रे नदी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती, एक दूसरे से मिलती हैं और अपना जल, और अपना जल, अपना जल स्पेंसर की खाड़ी में डालती हैं, स्पेंसर की खाड़ी में डालती हैं, स्पेंसर की खाड़ी में डालती हैं। कन्फर्म है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी डार्लिंग नदी है, क्वींसलैंड से उद्गम होता है, मर्रे नदी का उद्गम न्यू साउथ वेल्स से होता है जस्ट कोसीयूस्कु की चोटी के पास से। और ये दोनों नदियां कहाँ आकर मिलती हैं? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आकर मिलती हैं। और अपना जल कहाँ डालती हैं? स्पेंसर की खाड़ी में डालती हैं, है ना। अब समझो, अब एक अपने डायग्राम से ही समझेंगे, बाकी दो छोटी छोटी नदियां हैं वो आपको समझ आ जाएंगी जैसे ही मैं बताऊंगा, आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएंगी कि कौन सी नदियां हैं और उनकी ज्यादा कोई प्रश्न बन नहीं रहे, है ना। तो अपन इसको देखते हैं, देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया में अगर ध्यान से अपन देखेंगे तो हमने कहा कि इस भाग पर, इस वाले भाग में जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन सी श्रेणी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसके बाद मैंने कहा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद हमने कहा यहां एक पठार है, यहां एक पठार है जिसको हमने नाम दिया, जिसको नाम दिया किम्बरले का पठार। क्या नाम दिया? किम्बरले, किम्बरले का पठार। इस किम्बरले को पठार को अपन इधर नहीं लिख के इसको बड़ा एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं, है ना। ये जो पठार है इसका नाम है किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार। क्योंकि इस डायग्राम से आपकी नदियां क्लियर ही हो जाएंगी। और इस किम्बरले के पठार से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलकर जाती है, और इस नदी का जो नाम है वो आपको बड़े आराम से समझ आएगा। इस नदी को अपन कहते हैं विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी। और ये जो विक्टोरिया नदी है ना, ये जो विक्टोरिया नदी है, ये जो विक्टोरिया नदी है, ये कौन से महाद्वीप की नदी है? तो आप बताना, ये सर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील, अगर झील पूछी जाती है आपसे, तो मेरे भाई ये बताना कि विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, और ये विक्टोरिया जो झील है ये कहाँ है? ये है अफ्रीका में, अफ्रीका में। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो कहाँ है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना विक्टोरिया जलप्रपात और कौन सी नदी पर है, है ना। तो विक्टोरिया नदी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से निकलती है? किम्बरले के पठार से। यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसको अपन बोलते हैं स्वान नदी। कौन सी नदी है? स्वान नदी। और ये जो स्वान नदी है, इस स्वान नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसको अपन बोलते हैं पर्थ। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पर्थ कौन सी नदी के तट पर बसा है? स्वान नदी। फिर आ जाओ, हमने कहा
यहां से एक नदी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं डार्लिंग। क्या बोलते हैं? डार्लिंग, डार्लिंग नदी। और यहां से एक नदी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं मर्रे, मर्रे नदी। और मर्रे और डार्लिंग दोनों मिलकर और फिर अपना जल कहां डालती हैं? स्पेंसर की खाड़ी। कहां डालती हैं? स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी। और ये जो सिडनी जो शहर है ना, सिडनी जो शहर है वो, सिडनी जो शहर है ना वो, सिडनी शहर जो है वो किसके तट पर बसा है? सिडनी वो बसा है मर्रे नदी के, है ना। और इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में ये जो भाग है इसमें उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं रेवे रीना। क्या बोलते हैं? रेवे रीना, रेवे रीना, उपजाऊ, उपजाऊ मैदान। और ये जो रेवे रीना उपजाऊ मैदान है ये गेहूं के लिए, गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार होती है कहाँ? रेवे रीना उपजाऊ मैदानों में, जो कि डार्लिंग और मर्रे नदियों के दोआब प्रदेश में स्थित है। और जस्ट इसके ऊपर यहाँ जो, यहाँ जो अपना एक पठार है जिसको अपन बोलते हैं टुआम्बा का पठार। क्या बोलते हैं? टुआम्बा का पठार, टुआम्बा का पठार। अब देखो जो अपने पढ़ा, पठार पढ़े, सबसे पहले अपने पढ़ा था प्रमुख पठार और जिसमें टुआम्बा, अनहरम और किम्बरले। तो देखो यही तीन पठार पढ़े और इनको हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया कि देखो ये किम्बरले का पठार है, जस्ट इसके ऊपर यहाँ, यहाँ जो एक पठार है जिसको अपन बोलते हैं अनहरम का पठार। क्या बोलते हैं? अनहरम का पठार। ये जो पठार है ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये देखो अपने प्रमुख पठार हुए, प्रमुख नदियां हुई और प्रमुख रेवे रीना उपजाऊ मैदान जो है वहां सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ रेवे रीना मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है और ये गेहूं के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो, अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे प्रमुख मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन एक ही बात बोलते हैं कि इसको एक, एक नाम से बोलते हैं अपन कंप्लीट मरुस्थलों को, जो है ग्रेट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो मरुस्थल है ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और इसके अंदर बहुत सारे मरुस्थल हैं, उन्हीं मरुस्थलों को अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बोलता हूं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और ये जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो मरुस्थल आता है उसको अपन बोलते हैं ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इसके बाद मरुस्थल जो है उसको अपन बोलते हैं
गिब्सन, गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। उसके बाद अपन बोलते हैं सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। इसके बाद एक जो मरुस्थल है वो है तनामी, तनामी डेजर्ट। और तनामी के बाद एक डेजर्ट और पूछा जाता है कई एग्जाम में, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट। ये जो सारे डेजर्ट हैं इनको एक नाम से अपन बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। क्या बोलते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल का पूरा ये पार्ट है जिसमें ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, सिम्पसन है, तनामी है और स्टुअर्ट डेजर्ट है। अब रीजन क्या है कि महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट हैं उन पश्चिमी तटों पर ठंडी महासागरीय धाराएं आती हैं जिसके कारण तटों का तापमान कम कर देती हैं, जिससे समुद्र से स्थल की ओर पौंगें नहीं चल पाती और महाद्वीपों के लगभग सभी महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मरुस्थल पाए जाते हैं। पहला कारण ये है कि ये ठंडी महासागरीय धाराएं गुजरती हैं पश्चिमी तटों पर, और दूसरा कारण ये है कि जो महाद्वीप होते हैं इनके पूर्वी तटों पर पौंगें टकराकर और जब पश्चिमी तटों तक पहुंचती हैं तो उनमें आर्द्रता की कमी हो जाती है। यही कारण है कि जितने भी प्रमुख मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसमें आगे पढ़ते हैं। हो गया, नेक्स्ट अपन देखेंगे अब प्रमुख घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान। और प्रमुख जो घास के मैदान हैं वो कौन कौन से हैं अभी अपन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख घास के जो मैदान हैं उसमें अपन कौन कौन से देखते हैं, चलो देखिए। पहला जो घास का मैदान है उसको अपन बोलते हैं सवाना, और सवाना जो है ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनको अपन क्या कहते हैं, सवाना, क्योंकि अफ्रीका में भी हमने इनको क्या नाम दिया था, सवाना। इसके बाद दूसरा जो अपन पढ़ते हैं वो कहते हैं डाउन्स, क्योंकि अफ्रीका में हमने कहा था वेल्ड, तो ये जो है इनको अपन बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अपन क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। और ये जो डाउन्स हैं इन डाउन्स को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि। और ये जो डाउन्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो पार्क भूमि कहा जाता है, इसी में सबसे ज्यादा भेड़ पाली जाती है। क्या पाली जाती है, भेड़। और भेड़ में भी कौन सी नस्ल, मेरिनो भेड़। और ये जो मेरिनो भेड़ ये सबसे उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है, सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन देती है भैया मेरिनो, सर्वश्रेष्ठ किस्म की क्या देती है, ऊन। और ये जो पशु पालते हैं यानी ये जो मेरिनो भेड़ जो पालते हैं, इस पशुपालक जनजाति जो होती है ना, पशुपालक जाति, इस पशुपालक जाति को कहा जाता है जेकारू। क्या कहा जाता है,
जेकारू। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है जेकारू है, तो वो है पशुपालक जाति जो कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पशु पालते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख खनिज क्षेत्र। और यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप बड़े ध्यान से इस बात को समझना कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें कौन कौन से खनिज के क्षेत्र हैं। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहला जो खनिज क्षेत्र है उसमें अपन बोलते हैं वाइपा क्षेत्र। कौन सा है, वाइपा क्षेत्र। और ये जो वाइपा क्षेत्र है किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए, किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व में सबसे पहले खोज यही हुई थी, विश्व में सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई, वाइपा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में, किसकी, बॉक्साइट की। और विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन भी, विश्व का सर्वाधिक उत्पादन करता है, विश्व का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, वाइपा क्षेत्र, सर्वाधिक उत्पादन, विश्व का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, वाइपा क्षेत्र करता है ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं, दूसरे नंबर पे जब अपन बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एक सेकंड जो है वो है पिलबरा। क्या है, पिलबरा। और ये जो पिलबरा क्षेत्र है ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए है, लोह अयस्क। इसके बाद अपन बात करते हैं एक क्षेत्र है अपना ब्रोकन हिल्स। और ये ब्रोकन हिल्स जो क्षेत्र है ये है अपने सीसा और जस्ता है, इसके लिए कौन सा है, ब्रोकन हिल्स। फिर अपन बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाता है जो कि कालगुल्डी व कुलगाड़ी क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है किसके लिए है, स्वर्ण भंडार के लिए। और हमने कालगुडी और कुलगाड़ी क्षेत्र स्वर्ण भंडार के लिए, जबकि हमने कहा जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में है स्वर्ण भंडार के लिए। फिर हम आगे पढ़ेंगे, एक क्षेत्र और पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं मेरी कैथरीन। और ये जो मेरी कैथरीन है ना, ये मेरी कैथरीन यूरेनियम के भंडार हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में, विश्व में सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, मेरी कैथरीन यूरेनियम के भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में। जबकि हमने पढ़ा था, जब मैंने उत्तरी अमेरिका आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक सडबरी क्षेत्र है जो कि कहाँ का है, कनाडा में है, ह्यूरन झील के तट पर, जहाँ विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है यूरेनियम का। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है तो आपको बताना है कनाडा, जबकि भंडारण कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ भंडारण है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके कुछ फैक्ट और देखते हैं भाई, है ना।
अब देखो लास्ट में आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाल दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि विविध विविध महत्वपूर्ण विविध महत्वपूर्ण तथ्य। और विविध महत्वपूर्ण तथ्य जब अपन पढ़ते हैं तो इससे बहुत ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, लगभग 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 जो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न मैं आपको यही करवा रहा हूं। अब ध्यान से समझो, कुछ शब्दावली हैं, उन शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जैसे पहली जो शब्दावली है वो है विली 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 विली। अब ये विली विली क्या है? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति होती है हिंद महासागर, जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है और ये ऑस्ट्रेलिया से जाकर टकराता है। यानी कि विली विली अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहोगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ब्रिक फील्डर जो है ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की गर्म स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? गर्म स्थानीय पवन को कहा जाता है ब्रिक फील्डर। इसके बाद आपसे पूछा जाता है एरिजोबोनल। और ये जो एरिजोबोनल है ये क्या है? तो आप कहते हो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? एरिजोबोनल। जबकि जेकारू क्या है कमेंट में आप मुझे बताइए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं शब्द ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाता है तो आप बताते हो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर मूंगा निर्मित चट्टान जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको समुद्र का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्र का बगीचा कहा जाता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि यह विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी है और समुद्र का इसको क्या कहा जाता है? बगीचा कहा जाता है। मूंगा निर्मित एक समुद्री जीव होता है मूंगा, जो जिसकी जिसका जो शरीर का घोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों से बनाता है। जैसे ही वो मर्त होता है तो वो चट्टानें एक दूसरे के ऊपर जम जाती है और उससे निर्मित होती है, जिसे अपन कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। एरिजोबोनल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासी, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की गर्म स्थानीय पवन, विली विली उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? विली विली। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
स्क्रीनशॉट हो गया। अब अपन देखेंगे इसमें आगे कुछ शब्दावलियां और हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रेट, ग्रेट आर्टिजन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन। और ये जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, इसको अपन बोलते हैं ग्रे रेंज में स्थित, ग्रे रेंज में स्थित, ग्रे रेंज में स्थित उत्सृत, उत्सृत कुओं की श्रृंखला, कुओं उत्सृत कुओं की श्रृंखला, उत्सृत कुओं की श्रृंखला, जिसे अपन क्या कहते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। यानी इनको अपन गहरे गहरे पाताल तोड़ कुएं भी कहते हैं, गहरे गहरे पाताल तोड़ कुएं भी कहते हैं, जो कि गर्म जल के स्रोत होते हैं। इनको अपन बोलते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। सीधा सा पूछा जाएगा ग्रेट आर्टिजन बेसिन है क्या है या कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है ग्रे रेंज में। और ग्रे रेंज कहाँ स्थित है, क्वींसलैंड में। कहाँ है, क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। और लास्ट अपना इस महाद्वीप का लिख दो आयर झील, आयर झील। और आयर झील में नोट डाउन कर दो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो निम्नतम बिंदु है वो क्या है, आयर झील है। क्या है, आयर झील है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आयर झील कौन से प्रांत में स्थित है, ये आपका वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो देखो आज हमने जो पढ़ा, आज हमने पढ़ा सबसे पहले हमने प्रमुख पर्वतों को रिकैप किया। उसके बाद देखो अपन ने जो जो पढ़ा वो रिकैप करते, प्रमुख पठार पढ़े हमने, उसके बाद हमने पढ़ा प्रमुख नदियां पढ़ी हमने, इसके बाद हमने कहा प्रमुख हमने क्या पढ़ा, प्रमुख मरुस्थल हमने पढ़े, इसके बाद हमने पढ़ा प्रमुख घास के मैदान हमने पढ़े, इसके बाद हमने प्रमुख खनिज क्षेत्र पढ़े, और इसके बाद प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य। और इसी के साथ अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट होता है। और कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूजीलैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहा जाता है। और ओसेनिया में हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पॉलिनेशिया है, मोलिनेशिया है और माइक्रोनेशिया है। तो एक छोटा सा वीडियो अपन बनाएंगे जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड का जो पार्ट रहेगा वो बिल्कुल सेपरेट करवाऊंगा मैं आपको, उससे एक दो बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं न्यूजीलैंड से। तो इसी के साथ आज का अपना सेशन कंप्लीट होता है, बाकी का सेशन कल अपन पढ़ेंगे न्यूजीलैंड महाद्वीप को, न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड को पढ़ते ही अपना ओसेनिया कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन देखेंगे नया महाद्वीप। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सफलता जो है वो पसीना बहाने से ही मिलती है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। ओके बाय।